श्री प्राचीन बहिर जी आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हविरधान की पत्नी हविरधानी से बहिर्षद गई शुक्ल कृष्ण सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग बहिर्षद यज्ञ आदि कर्मकांड और योग आदि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा बहिर्षद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बहिर के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बहिर ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे। राजा प्राचीन बहिर का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्म निष्ठा को देखकर देवर्षि नारद ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्म अनुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था, अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए हैं। यह विचार कर एक बार अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने आकर उन्हें तत्व उपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से मिलने का नहीं। किए जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय ही नहीं मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं, क्योंकि जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकता रहता है, उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन बहिर ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा, राजन, देखो तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बांट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपनी लोहे की सींगों से छेदेंगे। अरे, यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले की तो बात ही क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी सिद्ध लोक को चले गए। तब राजा प्राचीन बहिर भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। वहां उन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया।